नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल पांडे। तहसील जावर के समस्त किसान बंधु तहसीलदार जावर को ज्ञापन देने तहसील कार्यालय जावर पहुंचे। किसान बंधुओं द्वारा बताया कि जावर के अथुमाल में हम किसानों की जमीनें हैं, जिसका रास्ता छायन मैना रोड पर पोल्ट्री फार्म के साइड से होता हुआ हमारी जमीनों तक जाता है। उक्त रास्ता शासकीय है, जिस पर बरसात के समय कीचड़ और दलदल हो जाता है, जिससे हमें खेतों पर आने जाने में तथा बारिश तक फसल लाने में बहुत समस्या होती है। इसके लिए कई बार जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, परंतु अभी तक हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाया है। इसलिए हम सभी किसान रास्ता जनसहयोग से सही करवाना चाहते हैं, ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए तहसीलदार जावर अमले को भेजकर समस्या का निराकरण करवाए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। न्यूज 24 के लिए योगेंद्र बरोदिया की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है यहाँ तहसील कार्यालय में, ये किस मामले को लेकर दिया है? रास्ते का रास्ता, ये हमारा बहुत पुराना रास्ता है, हमारी जमीनें लगी हुई हैं और उस रास्ते पर हमें फसल लाने में बहुत दिक्कत आती है। बारिश तो बारिश, फसल पकने के बाद भी 15-20 दिन तक उस रास्ते का कोई हल नहीं निकलता है। हमने पहले भी ज्ञापन के माध्यम से जो है माननीय तहसीलदार साहब को सूचना दी थी, मगर कोई हल नहीं निकला। तो हम सभी किसानों ने जन सहयोग से कुछ राशि इकट्ठा की है और उस राशि के माध्यम से हम जो है उस रास्ते का निर्माण करवाना चाहते हैं। इसके लिए अनुमति हम माननीय तहसीलदार महोदय जी से लेने आए थे। आपका नाम बता सकते हैं? मेरा नाम चेतन दरबार, मैं एक किसान हूँ और मेरी जमीन उसी रास्ते पर लगी हुई है और ये समस्त किसान जो है उसी रास्ते पर, इनकी सभी की जमीन लगी हुई है। और कोई समस्या? बस इसी समस्या के लिए आए थे। रास्ते की बहुत गंभीर समस्या है, इसके लिए कई बार हम विधायक जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, सभी को अवगत करा चुके हैं, मगर कोई हल नहीं निकला उसका। विधायक जी ने बोला था कि